हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग से रिलेटेड है। इससे पहले हमने रेस्पिरेशन में उसका बैकग्राउंड चेक किया, कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू हम या किस प्रोसीजर के थ्रू हम उसको पढ़ते हैं उसको चेक किया, और थोड़ा बहुत हमने डाइजेशन से रिलेटेड भी उसमें स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी पार्ट को हम आगे ले करके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। रेस्पिरेशन में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है ब्रीदिंग का। और इस ब्रीदिंग का मतलब, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, ब्रीदिंग का मतलब हिंदी में जैसे अगर बोलें तो वो होता है सांस लेना। अब सांस लेना जो होता है वो बेसिकली इसका दो प्रोसीजर होता है। एक होता है इनहेल करना, जिसमें हमने हवा जो है वो अंदर ली, और एक होता है एक्सहेल करना, जिसमें हमने लंग से जो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमने एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया, लाइक इनहेल और एक्सहेल। ओके, सो ये रिवर्स प्रोसेस है। सो ब्रीदिंग में बेसिकली हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा जो है वो अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहें वन बाय वन करके समझने के एतबार से कि हमारा कोई पॉइंट छूट ना जाए, तो इस सिचुएशन में हमें अगर ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है तो हमें बेसिकली तीन पॉइंट्स में ब्रीदिंग को पढ़ना है। लाइक जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीदिंग इन थ्री पार्ट्स। पहला हमारे पास आता है रिस्पिरेटरी पाथवे, दूसरा हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और थर्ड आता है हमारे पास रेट ऑफ ब्रीदिंग और लंग कैपेसिटी। ओके, सो पहला पॉइंट है हमारे पास रिस्पिरेटरी पाथवे का। रिस्पिरेटरी पाथवे में हम क्या पढ़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर नोज, यहाँ से ही हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक या पाथवे जो है, या रास्ता जिसको हम बोल सकते हैं, कि जो ब्रीदिंग का हमारा रास्ता है कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे एंड होता है। तो आपको ये पता होगा कि जो ब्रीदिंग स्टार्ट होती है वो हमारे नोज की इस ओपनिंग से शुरू होती है और एट लास्ट लंग्स में जा करके, लंग्स में जो एल्वोलाइज होते हैं वहाँ पे जाकर वो ख़त्म होती है, राइट। सो पहले तो हम इस पाथवे को पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेन इन्वॉल्व होते हैं, एक लाइन के थ्रू कि लाइक सीक्वेंस में हम इसको पढ़ेंगे ताकि हमारा कोई पॉइंट उसमें ना छूट जाए। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैंने अभी बताया दो पार्ट में होता है इनहेल और एक्सहेल। सो ये कैसे होता है कि कैसे हमारे लंग्स में या फेफड़ों में जो है वो हवा जाती है और कैसे वो हवा वापस बाहर आ जाती है, इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट आता है रेट ऑफ ब्रीदिंग और लंग कैपेसिटी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए कि रेट ऑफ ब्रीदिंग की डिफरेंट एज में, न्यू बॉर्न बेबी हो या अडल्ट हो या कुछ साल का जैसे बच्चा होता है, सो उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग डिफरेंट होती है, राइट। ऐसा नहीं है कि हमारा रेट जो है वो हमेशा एक ही जैसा होता है, डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से सांस लेने की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है लंग कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि हमारे लंग्स का जो वॉल्यूम है और उसमें कितनी एयर हम रख सकते हैं, कितना उसका साइज होता है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। सो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो हमने यहाँ पर एक डिज़ाइन किया है कि हम ब्रीदिंग को कैसे पढ़ेंगे, रिस्पिरेटरी पाथवे में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और रेट ऑफ ब्रीदिंग और लंग कैपेसिटी, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन इनको डीप में स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले पार्ट हमारे पास आता है रिस्पिरेटरी पाथवे का, सो इसको देखते हैं। सो हेयर कम्स अवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज रिस्पिरेटरी पाथवे। रिस्पिरेटरी पाथवे में मैंने यहाँ पर लाइंड अप कर दिया है वो सारे ऑर्गन्स जो कि रिस्पिरेटरी पाथवे में वन बाय वन सीक्वेंस से मौजूद होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अवर नोज अप टू लंग्स, ये सारे ऑर्गन्स हमारे पास हैं। ओके, सो इसमें सबसे पहला हमारा आता है नेजल चैम्बर, दूसरा आता है फेरिंग्स, तीसरा आता है एपिग्लॉटिस, चौथा आता है लैरिंग्स, ट्राइकिया, ब्रोंकस या इसी को ब्रोंकाई बोलते हैं, उसके बाद आता है ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई। ओके,
इन्हीं के बारे में हम वन बाय वन यहां पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात आती है नेजल चैम्बर की। नेजल चैम्बर हमारी नोज से स्टार्ट होता है यहां से, और हमारी माउथ कैविटी जो होती है इसका अपर पार्ट यहां पर बनाता है। ओके, जो हमारा शुरुआती पार्ट होता है नेजल चैम्बर को हम फर्दर दो कैटेगरी में यहां पर डिवाइड करते हैं। एक होता है हार्ड पैलेट और दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट ये हमारे माउथ की जो ओरल कैविसिटी होती है जो माउथ की ओरल कैविटी होती है ये ऊपर का जो हिस्सा होता है अंदर की तरफ आप डायग्राम में देख सकते हैं। वो बेसिकली हमारा हार्ड पैलेट होता है, और यही चीज जब पीछे हमारे यहां पर आकर के खुलती है उस पोजिशन पे इसी नेजल चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। राइट, नेजल चैम्बर जहां पर अंदर की तरफ हमारे ओरल कैविटी में खत्म होता है वहां पर आप देखेंगे तो एक फिंगर लाइक ऐसा प्रोजेक्शन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, यूविला। यूविला जो होता है उसके बेसिकली दो काम होते हैं। पहला काम तो ये होता है कि वो सलाइवा का सेक्रीशन करता है जो कि माउथ के अंदर डाइजेशन में हेल्प करता है। इसका दूसरा काम ये होता है कि ये जो है हमारा जो नेजल चैम्बर है इसको कवर अप करने की कोशिश करता है, कवर अप करने का काम करता है ताकि पानी या खाना जो होता है हमारे खाते टाइम हमारे नेजल चैम्बर में ना आ जाए। ओके, कभी कभी आपने देखा होगा कि खाते वक्त जब छींक आ जाती है, स्नीजिंग वगैरह हो जाती है तो हमारा जो खाना होता है जो हम खाते हैं वो बेसिकली नेजल चैम्बर में आ जाता है, नाक के रास्ते बाहर आने लगता है। राइट, वो यही कॉन्सेप्ट है कि जब ये यूविला जो होता है ये बेसिकली उसी चीज को प्रिवेंट करने का काम करता है, हमारा जो नेजल चैम्बर का जो बैक पोर्शन है जो कि हमारी ओरल कैविटी के लास्ट में नेजल चैम्बर जहां पर खुलता है उस ओपनिंग को ये बंद करने का काम करता है। और जैसे मैंने अभी बताया दो काम होते हैं इसके, पहला तो होता है सलाइवा का सेक्रीशन और दूसरा होता है नेजल चैम्बर की जो ओपनिंग होती है ओरल कैविटी में उसको क्लोज करने का काम करता है व्हाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है फेरिंग्स। ये हमारा फेरिंग्स जो है बेसिकली यहां से जो हमारा माउथ के अंदर की आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारा जो माउथ कैविटी होती है, माउथ कैविटी में एक कॉमन पैसेज होता है बोथ फूड एंड ड्रिंक, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये हमारा कॉमन पैसेज होता है जो कि फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स वो हिस्सा फेरिंग्स का जो कि नेजल चैम्बर के अराउंड होता है उसको हम नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। सेंटर में जो होता है जो कॉमन पैसेज बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको हम ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। और लास्ट आता है हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स लोअर फेरिंग्स होता है जो कि लेरिंग्स के पास जाकर के कनेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, आपने देखा होगा पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ट्राइकिया जहां से हमारा शुरू होता है विंड पाइप उसके ऊपर एक लिड होती है, जैसे आपने देखा होगा पुराने बर्तनों के ऊपर जग के ऊपर होता नहीं मग जैसा होता है उसके ऊपर एक कवर होता है ताकि पानी बाहर ना आ जाए, उसी तरीके का ये कॉन्सेप्ट होता है लिड का कि ट्राइकिया के ऊपर एक मस्कुलर लिड होती है, एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्राइकिया को विंड पाइप जो है जिससे हवा हमारे लंग्स में जाती है उसको क्लोज कर देता है व्हाइल ईटिंग, ताकि खाने या पीने के टाइम पे जब हम खाते या पीते हैं तो ये ओपनिंग हमारी क्लोज हो जाती है जिसकी वजह से हमारा खाना या पानी जो है वो फेफड़ों में या कि आप कह लीजिए जो हमारा ट्रैकिया या विंड पाइप है उसमें नहीं जाता है। आप देखें कि नेचर ने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है हम ह्यूमन बॉडी को कि हर माइन्यूट से माइन्यूट चीज जो है वो हमारे लिए काम करती है और कितनी इंपॉर्टेंट है कि एक छोटी से छोटी चीज का भी अपना कितना इंपॉर्टेंट काम है। ओके, एपिग्लॉटिस का काम क्या हुआ, लिड फॉर ट्रैकिया, और इसका काम होता है विंड पाइप या ट्रैकिया के ऊपर मौजूद होता है तो खाने और पीने के टाइम पे ट्रैकिया या विंड पाइप को क्लोज करे ताकि खाना और पानी हमारा ट्रैकिया में या लंग्स में ना जा पाए।
नेक्स्ट आता है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है वो साउंड बॉक्स होता है, इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। लैरिंग्स जो होता है वो बेसिकली ह्यूमन स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने गले में देखा होगा बहुत सारे लोग इसको, ये जो यहाँ पर निकलता है, हिलता है, आप देख सकते हैं उस चीज़ को, वही है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स को जैसा मैंने अभी बताया एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, और लैरिंग्स में मौजूद होती हैं वोकल कॉर्ड्स जिससे कि हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया विंड पाइप होता है, लाइक आपकी नेक से स्टार्ट हो करके लंग्स तक जाता है। उसके बाद ये कॉमन, ये एक पैसेज होता है जो कि एयर को एक पाथवे देता है कि एयर को लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। यही ट्रैकिया फर्दर जो है वो अनदर ब्रांचेज में टूट जाता है, जिसको कि हम ब्रोंकस या ब्रोंकियाई कहते हैं। और ब्रोंकस या ब्रोंकियाई जो होते हैं वो फर्दर अपनी दूसरी ब्रांचेज में, सब ब्रांचेज में टूटते हैं या डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ये ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो बेसिकली एल्वियोलाइज में ओपन होते हैं, और एल्वियोलाई जो होते हैं वो एयर बैग्स होते हैं लंग्स के अंदर, राइट। एल्वियोलाई जो होते हैं, एक कॉमन सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि रेस्पिरेशन की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो एल्वियोलाई होती है। क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई ही वो ऐसी ऑर्गन है हमारे पास, या ऐसा पार्ट है हमारे लंग्स का जहाँ पे गैसवस एक्सचेंज होता है, और पूरा का पूरा रेस्पिरेशन इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। हमारे एल्वियोलाई या लंग्स अच्छी तरीके से काम करेंगे तो हमारा जो गैसेस एक्सचेंज होता है, लाइक इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत अच्छे से होगा, तो जिसकी वजह से हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़िया होगा, और उसकी वजह से ह्यूमन बॉडी अच्छी तरीके से काम कर सकेगी। यहाँ पर एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि हमारा ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई प्लस ब्लड सेल्स जो होती हैं या ब्लड कैपलरीज ये मिल करके हमारा लंग्स बनाते हैं। लंग्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमारे पास? लंग्स के बेसिकली चार पार्ट होते हैं, ब्रोंकियस या ब्रोंकियाई जिनको बोलते हैं, नेक्स्ट आता है ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई प्लस ब्लड कैपलरीज जो होती हैं, ये कॉमन सारा जब असेंबल होता है टुगेदर तो उसको हम बोलते हैं लंग्स। ओके, एल्वियोलाइज का जो नंबर होता है वो 10.9 मिलियंस फॉर टू लंग्स, लाइक दोनों लंग्स को अगर हम मिला लें तो एल्वियोलाई का जो नंबर होता है वो 10 दी पावर 9 मिलियंस होता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना एरिया होता है लंग्स का। ओके, 10 दी पावर 9 मिलियंस फॉर टू लंग्स, और लंग्स का जो साइज होता है वो 12 सेंटीमीटर होता है। अगर आप साइज की बात करें लंग्स की तो 12 सेंटीमीटर के अराउंड हमारे लंग्स का साइज होता है। सो इस चीज़ को मैं एक बार दोबारा मतलब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई। सबसे पहला रिस्पिरेटरी पाथवे में हमारा नेजल चैम्बर आया। नेजल चैम्बर के शुरुआती हिस्से को हम हार्ड पैलेट बोलते हैं, और पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। सॉफ्ट पैलेट फर्दर एक ओपनिंग के पास जाकर के ख़त्म होता है जिसको यूविला बोलते हैं हम। यूविला के दो काम होते हैं, सलाइवा का सेक्रीशन, और नेजल चैम्बर के जो लास्ट पार्ट होता है सॉफ्ट पैलेट का उसको क्लोज करने का काम करता है ताकि वाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग हमारा फूड और ड्रिंक जो है वो नेजल चैम्बर में ना आ पाए। फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स फर्दर, फेरिंग्स का कोई ऐसा काम नहीं है, फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन पैसेज होता है फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स जो है वो फर्दर तीन हिस्सों में हम सब डिवाइड करते हैं, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। ओके, उसके बाद आता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो ट्रैकिया के ऊपर एक लिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रैकिया को कवर अप करता है जब हम खाना या पानी लेते हैं, लाइक वाइल ड्रिंकिंग और ईटिंग। हमारा ये एपिग्लॉटिस ट्रैकिया को लिड के हिसाब से ऊपर से बंद कर देता है ताकि कोई भी चीज़ जो हम खा या पी रहे हैं वो हमारे विंड पाइप में ना जा पाए। उसके बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है वो एक सेपरेट ऑर्गन है जिसको हम जो है
साउंड बॉक्स बोलते हैं या एडम्स एप्पल भी बोलते हैं लैरिंग्स को, और इसी में मौजूद होती हैं वोकल कॉर्ड्स जिससे कि ह्यूमन स्पीच जो है वो जनरेट होती है। उसके बाद हमारे पास ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया एक पाथवे है जो कि ओरल कैविटी से हमारा लंग्स तक नीचे की तरफ तक जाती है और जो इनहेल करते हैं हम एयर उसको लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। ट्रैकिया जो है वो फर्दर ब्रोंकस में या ब्रोंकियाई में डिवाइड होती है, सब डिवाइड होती है, और ब्रोंकियाई जो है वो फर्दर ब्रोंकियोल्स में जो है वो सब डिवाइडेड हो जाते हैं, ब्रांचेस बन जाती हैं ताकि एयर का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे लंग्स में प्रॉपरली हो सके। और ब्रोंकियोल्स जो है वो जा करके एल्वियोलाई में जो कि एयर बैग्स होते हैं लंग्स में वहां पर जाकर के ओपन हो जाती हैं। एल्वियोलाई जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेशन होता है। ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई प्लस ब्लड कैपिलरीज, ये चारों चीजें मिलकर के हमारा लंग्स बनाती हैं। एल्वियोलाई का जो नंबर होता है दोनों लंग्स में अराउंड 10^9 million का होता है, और एक लंग की जो साइज होती है वो बेसिकली 12 सेंटीमीटर के अराउंड होती है, 12 सेंटीमीटर। ओके, सो ये तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था रेस्पिरेटरी पाथवे का। होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग में इनहेल और एक्सहेल का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, तो अब हम उसको चेक करेंगे। सो हेयर कम्स अवर पार्ट टू, जो कि हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग में अभी हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी पाथवे जो था, कौन कौन से ऑर्गन जो है स्टार्टिंग फ्रॉम नेजल चैम्बर अप टू लंग्स, कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जो हमारी एयर हम ब्रीदिंग करते हैं वो किस पैसेज के थ्रू हमारे लंग्स तक जाती है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम पढ़ेंगे कि कैसे एयर जो है वो लंग्स तक पहुंचती है, कैसे हम उसको इनहेल करते हैं और कैसे हम उसको एक्सहेल करते हैं, राइट? सो अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़नी है तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट शुरू होता है, वो ऑर्गन है हमारे पास डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम बेसिकली, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, लंग्स के नीचे जिसको कि मैंने यहां पर ये ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, ये हमारा डायफ्राम है। डायफ्राम क्या होता है? ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, थिन स्केलेटल मसल्स होती हैं। कहां पर प्रेजेंट होता है? एट द बॉटम ऑफ चेस्ट। ये हमारा लंग्स है, चेस्ट, चेस्ट के बॉटम पे ये कर्व्ड शेप में ऐसा करके होता है। और इसका काम क्या होता है? बेसिकली सबसे पहली वही चीज है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को शुरू करने का जो इनिशिएटिव होता है, जहां से ब्रीदिंग शुरू होती है, वो इसी पार्ट से होती है। दूसरी चीज ये है कि ये चेस्ट को हमारा एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। एब्डोमिनल कैविटी मतलब ये हमारा स्टमक वगैरह का जो हिस्सा होता है, इसको चेस्ट से सेपरेट करता है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या हम बगैर डायफ्राम के रह सकते हैं, लाइक जिंदा रह सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है। डायफ्राम इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि विदाउट इसके हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने जैसे लिखा हुआ है कि कितनी ब्रेथ्स जो होती हैं, कितनी बार हम सांस ले सकते हैं, लाइक इनहेल और एक्सहेल करना, ये हमारा एक ब्रेथ होती है। ओके, सो अगर हम उस हिसाब से देखें तो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में, फुल हेल्दी ह्यूमन जो होता है, उसमें तकरीबन 23,000 ब्रेथ्स जो हैं अ डे, एक दिन में तकरीबन 23,000 बार हम सांस लेते हैं। सांस लेने का मतलब यह हुआ कि एक सांस में हमारे दो पार्ट होते हैं, इनहेल और एक्सहेल, सांस अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। ओके, सो अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आप डायग्राम में देख सकते हैं इजिली कि ये प्रोसेस शुरू कहां से होता है। सबसे पहला ये प्रोसेस शुरू होता है डायफ्राम से। डायफ्राम आप देख रहे हैं जैसे यहां पर, इसमें क्या होता है, इसकी जो मसल्स होती हैं इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम नीचे की तरफ फ्लैट होगा। लाइक आप देख सकते हैं कि पहले जो स्ट्रक्चर इस तरीके का था वो फ्लैट होकर के स्ट्रेट होने लगेगा। जब ये स्ट्रेट होगा तो इसका इफेक्ट क्या आता है, रिजल्ट क्या होता है? जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा,
डायफ्राम की मसल्स में, तो डायफ्राम फ्लैट होगा। फ्लैट होते ही आपको पता है कि डायफ्राम के ऊपर ही लंग्स हमारे रखे रहते हैं, सो जैसे ही डायफ्राम नीचे आएगा लंग्स का जो कैपेसिटी है, उसका जो साइज है, वो नीचे की तरफ होने लगेगा, जिसकी वजह से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसके अंदर जो एयर होती है उसका प्रेशर कम हो जाएगा। जब उसका प्रेशर कम होगा तो बजाहिर है कि हम बाहर से जो है वो अपने आप डिफ्यूजन के थ्रू, आपको पता है कि एयर जो है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर से हमारी हवा जो है वो नेजल चैम्बर से होते हुए और जो हमारा पाथवे है जैसा कि हमने अभी पढ़ा, उसके थ्रू वो आकर के लंग्स में आ जाती है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो रिबकेज का होता है। रिबकेज जो है वो बेसिकली जब लंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है और उसका जो प्रेशर होता है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर कम होता है, उस केस में आप ऑब्जर्व करें, खुद भी सांस लेकर के ऑब्जर्व करें। देखें, बायोलॉजी जो है वो ऑल एंड ऑल प्रैक्टिकल चीज है। आप सांस लेके देखेंगे तो आपको ये फील होगा कि आपका जो ये पसलियां हैं, जिनको हम रिब केज बोलते हैं, ये ऊपर की तरफ आ जाता है, राइट? ये लाइक ऊपर की तरफ इसका साइज ऐसा लगता है जैसे ये बाहर की तरफ आए और इसका साइज बढ़ गया। उसका रीजन क्या होता है कि रिब्स के बीच में रिब्स मसल्स होती हैं, जिनको कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। उनमें क्या होता है, वो बेसिकली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से ये साइज हमारा ऐसा करके रिब केज का जो है वो साइज हमारा बढ़ जाता है। तो ये प्रोसेस थी हमारी किसकी, इनहेल की, इनहेल, और ये है हमारी एक्सहेल की, राइट? सो इनहेल की प्रोसेस में आप देख सकते हैं डायग्राम में कि इनहेल की प्रोसेस में क्या हुआ। सबसे पहले हमारा जो डायाफ्राम था, जो कि पहले सी के फॉर्म में था, इस तरीके से कर्व्ड था, उसकी मसल्स में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, फ्लैट होती हैं वो मसल्स। जैसे ही फ्लैट होंगी तो हमारी लंग की कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। लंग कैपेसिटी बढ़ने का मतलब लंग का साइज बढ़ जाता है, और जैसे ही लंग्स का साइज बढ़ता है तो उसके अंदर जो है वो एयर प्रेशर कम हो जाता है, और थ्रू डिफ्यूजन बाहर से एयर जो है वो लंग्स में आ जाती है। डिफ्यूजन आपको पता है कि डिफ्यूजन का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, राइट? और यहां पर वही चीज, एक पॉइंट मैंने आपको बताया, रिब केज मूव्स अपवर्ड। उसका रीजन क्या होता है कि दो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं, जिनको हम रिब मसल्स बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो रिब केज ऊपर की तरफ, हमें ऐसा फील होता है कि वो ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ या मूव्स अपवर्ड हो जाता है। ओके, सो ये हमारा इनहेल की प्रोसेस होती है ब्रीदिंग में। इसका ठीक अपोजिट, ये तो एक्साइटमेंट की स्टेज है जहां पे, या इसको हम कहते हैं एक्टिव स्टेज है। इसी का जो अपोजिट होता है पैसिव स्टेज, जिसको हम बोलते हैं, उसको हम एक्सहेल बोलते हैं। जहां पर क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस बट अपोजिट डायरेक्शन में। सबसे पहले क्या होगा, डायाफ्राम जो कि अभी फ्लैट हो गया था वो वापस रिलैक्स्ड पोजिशन में आ जाएगा, तो वो अगेन उसी तरीके से कर्व्ड में आ जाएगा। जैसे ही वो कर्व्ड में आएगा तो उसमें क्या होगा, लंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, लंग्स का साइज कम हो जाएगा। लंग्स का साइज कम होगा तो एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। बजाहिर है कि जैसे ही एयर, लंग का साइज कम हुआ तो एयर प्रेशर उसमें बढ़ जाएगा। जैसे ही एयर प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपको पता है वही चीज, डिफ्यूजन के थ्रू हमारा जो एयर जो कि लंग के अंदर थी, जिसमें कि प्रेशर ज्यादा था, वो बाहर आ जाती है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। और इसमें फिर क्या होगा, वही रिब केज जो होता है उसकी मसल्स रिलैक्स कंडीशन में आएंगी, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हमारा रिब केज वापस अपनी नॉर्मल पोजिशन में आ जाता है, राइट? सो यहां पर आपने दो पॉइंट पढ़े, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां पर हमारा जो डायफ्राम है वो रिलैक्स पोजीशन में आता है, रिलैक्स पोजीशन में आएगा तो ये वापस कर्व्ड हो जाएगा, और जब कर्व्ड हो जाएगा तो लंग की कैपेसिटी जो है
लंग की कैपेसिटी जो है वो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। लंग की कैपेसिटी जब कम हो जाएगी तो एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर प्रेशर कम बढ़ जाएगा तो डिफ्यूजन के थ्रू एयर जो है वो आउटसाइड आ जाएगी, ब्रीद आउट हो जाता है, राइट। और यहीं पे यही चीज है कि जो रिब मसल्स होती हैं वो रिलैक्स पोजीशन में आएंगी और रिब केज का मूवमेंट जो है वो इनवर्ड हो जाएगा, ओके इस तरीके से। ये ठीक, अगर आपको इनहेल का प्रॉपर पता है कि कैसे इनहेल होता है तो एक्सहेल के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान है। मैं इसको दोबारा एक बार बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप डायग्राम से चेक कर सकते हैं यहां पर कि सबसे पहला क्या होता है, ये हमारा डायफ्राम है, इस डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये फ्लैट हो जाएगा, लाइक जो अभी ऐसा कर्व्ड है वो स्ट्रेट हो जाएगा इस तरीके से। जैसे ये स्ट्रेट होगा तो बजाहिर है कि हमारा ये जो लंग्स अभी जो यहां पे था वो जैसे ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर के ये पोजीशन में आ गया तो ये लंग्स जो हैं अब इस कंडीशन में आ जाएंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये जो डॉटेड रेड एरिया है ये लंग का साइज जो है या कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई तो इसके अंदर का एयर प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा और एयर प्रेशर जैसे ही कम होगा तो यहां पर डिफ्यूजन के थ्रू एयर बाहर से अंदर आ जाएगी। और यहां पे वही चीज है, रिब मसल जिनको हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो रिब जो है वो, रिब केज जो है वो पूरा हमारा अपवर्ड हमारा मूव करता है। आपको पता है कि जो इसमें बेसिकली हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं, लंग होता है, इसमें बेसिकली तीन डायग्राम हमारे तीन ऐसे आउटर कवरिंग होती है जिसको कि हम बोलते हैं कि थ्री लेयर्ड प्रोटेक्शन हमारे लंग्स के लिए। वो क्या क्या होते हैं थ्री लेयर्ड प्रोटेक्शन? पहला तो नीचे की तरफ से डायफ्राम होता है, सामने की तरफ से साइड बाय साइड और बैक साइड से हमारा रिब केज होता है और सामने की तरफ से ये हमारा स्टर्नम होता है, राइट। तो ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं एक अलग से वीडियो बना करके रिब केज का जो या रिब्स किस तरीके की होती हैं, कितने तरीके की होती हैं, काम क्या होता है, सो वो हम एक अलग अलग वीडियो में उसको चेक कर लेंगे, अदरवाइज यहां पर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई, इनहेल और इसी का ठीक अपोजिट एक्सहेल होता है कि जो लंग, जो डायफ्राम आपका पहले अभी फ्लैट था वो वापस रिलैक्स होता है, रिलैक्स होगा तो वो वापस इस कर्व्ड पोजीशन में आ जाएगा और लंग्स जो कि आपके पहले यहां पे थे अब वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आएंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो डिफ्यूजन की थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू ये एयर से ये एयर जो है वो बाहर चली जाएगी। डिफ्यूजन का मतलब अभी जैसे मैंने बताया हायर मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ओके। और रिब मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं तो रिब केज जो पहले अपवर्ड होता वो इनवर्ड हो जाएगा, लाइक नीचे की तरफ आएगा। आप खुद सांस लेकर के ये सारी चीजें, ये पूरा मैकेनिज्म इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का जो मैंने अभी बताया है इसको आप खुद जो है वो फील कर सकते हैं। आप देखें जैसे हमने सांस लिया ये हमारा रिब केज और चेस्ट जो कैविटी है ये बेसिकली बाहर की तरफ आ जाती है, रिब मसल्स जो होती हैं कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये बाहर, और वहीं जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। सो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग था जिसमें इंपॉर्टेंट डायफ्राम है, इससे रिलेटेड मैंने तीन पॉइंट अलग से लिख करके बता दिए और इनहेल और एक्सहेल कैसे होता है ये पूरा, ये यहां पर आपको समझ में आ गया है। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है यहां पर रेट ऑफ ब्रीदिंग और लंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं तो उनको हम अब चेक करेंगे। सो हेयर कम्स अवर लास्ट पॉइंट इन दिस सेक्शन वेयर वी आर स्टडिंग ब्रीदिंग, जहां पर हम ब्रीदिंग पढ़ रहे हैं और इसका ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद इस टॉपिक को हम यहां पर वाइंड अप करते हैं। इसमें जो लास्ट पॉइंट आता है हमारा वो है रेट ऑफ ब्रीदिंग और लंग कैपेसिटी का, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था। सो रेट ऑफ ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि डिफरेंट एज में है हमारे पास जो ब्रीदिंग की फ्रीक्वेंसी होती है कि हम पर मिनट
मिनट कितना इनहेल और एक्सहेल करते हैं या पर मिनट हम कितना ब्रीद करते हैं वो डिफरेंट होती है। सो उसी को मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो 40 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट होता है। वही बच्चा जब थोड़े कुछ साल का हो जाता है 8-10 साल का 12 साल का तो वो बेसिकली 20 से 30 ये ब्रीदिंग का जो रेट है वो घट करके कितना हो जाता है 20 टू 30 ब्रेथ्स पर मिनट हो जाता है। और एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में एडल्ट ह्यूमन बीइंग जिसके बॉडी के सारे फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं उस कंडीशन में ब्रीदिंग की जो रेट होता है वो 13 to 16 13 से 16 ब्रेथ्स पर मिनट हो जाती हैं। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाली चीज़ नहीं है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो वन लाइनर जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में उनसे रिलेटेड है कि न्यूली बॉर्न बेबी में 40 से 60 ब्रेथ्स पर मिनट होता है, वही बच्चा जब 8-10 साल 12 साल का हो जाता है तो या उससे थोड़ा कम लाइक 8-9 साल का तो वो 20 to 30 ब्रेथ्स पर मिनट हो जाता है और एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 13 to 16 हो जाता है। इसमें लास्ट पॉइंट आता है लंग्स कैपेसिटी का कि लंग्स की जो कैपेसिटी होती है कि कितनी एयर एक टाइम में लंग्स के अंदर हो सकती है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे यहां पर। पहला है कि टोटल लंग कैपेसिटी, दोनों लंग्स कैपेसिटी को अगर हम मिला लें कि दोनों लंग्स में मिला करके कितनी एयर आ सकती है तो वो है टोटल 6000 ml। एक बार में टोटल दोनों लंग्स को मिलाकर के तकरीबन 6000 ml जो है वो एयर यहाँ पर आ सकती है या उसकी इतनी कैपेसिटी होगी। रेजिड्यूअल कैपेसिटी क्या होती है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिड्यूअल कैपेसिटी का मतलब होता है ऐसा तो है नहीं कि हमने जब इनहेल किया और एक्सहेल किया तो एक्सहेल करने के टाइम पे हमने सारी की सारी एयर अपने लंग्स से निकाल करके बाहर रख दी, लाइक ऐसा नहीं होता है कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो पूरा का पूरा लंग जो है वो हमारा एयर से खाली हो जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ एयर जो है वो हमारे लंग्स में हर टाइम रहती है, तो वो जो है जो एवरी टाइम एनी टाइम प्रेजेंट एयर एनी टाइम प्रेजेंट इन आवर लंग्स उसी को हम बोलते हैं रेजिड्यूअल कैपेसिटी। जैसा मैंने लिख दिया है यहाँ पर बचा हुआ ऑलवेज इन लंग्स ये होता है हमारा 1200 ml। 1200 ml जो है एयर हमारी एज ऑलवेज हमारे लंग्स में मौजूद होती है चाहे हम ब्रीदिंग कर रहे हों या ना कर रहे हों, उस टर्म को हम बोलते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजिड्यूअल कैपेसिटी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें 3-layered प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, सामने और साइड की तरफ से हमारे रिब्स होते हैं, रिब्स का टोटल नंबर 14 रिब्स होते हैं या आप इनको दूसरे टर्म में बोल सकते हैं कि 12 पेयर होता है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको जो थोरैसिक कैविटी है या रिब कैप जो हमारी रिब केज होता है या थोरैसिक केज जिसको बोलते हैं उससे रिलेटेड आपको पता चल जाए कि जो रिब्स होती हैं उनको कैसे ट्रू रिब्स फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स इस तरीके से 3 कैटेगरीज में सब डिवाइड किया जाता है। तो जो हमारे लंग्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए 3-layered प्रोटेक्शन होता है। पहला डायफ्राम जो कि आपने देखा अभी लंग्स के नीचे हमारे ऐसा करके नीचे से जो है वो एक स्केलेटल मसल्स होती हैं जिनको हम डायफ्राम बोलते हैं वो होता है, साइड से और पीछे की तरफ से हमारे पास रिब केज होती हैं, टोटल 14 रिब्स होती हैं, 14 रिब्स को आप 12 पेयर भी बोल सकते हैं 12 पेयर्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद फ्रंट ज्वाइंट होता है ये सामने की तरफ हमारा जहाँ पर सारी रिब्स आ करके जुड़ती हैं सामने की तरफ उसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ओके, सो ये हमारा रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग से रिलेटेड हमने पढ़ा, जहां पर हमने क्या चेक किया आज कि कैसे जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है या रेस्पिरेटरी पाथवे जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में नेजल चैम्बर जो था हमारा, उसके बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद जो है वो एपिग्लॉटिस है और लेरिंग्स हैं, उसके बाद ट्रैकिया है, ब्रोंकियाई है, ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकी और उसके आगे जो है वो एल्वियोलाई वगैरह आ जाता है, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर चेक करी। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की ब्रीदिंग होती कैसे है जिसमें कि दो पार्ट में हमने उसको पढ़ा, इनहेल और एक्सहेल, कैसे हम एयर अंदर लेते हैं और कैसे हम एयर को बाहर एक्सहेल करते हैं, तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट देखा हमने डायग्राम के साथ। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा रेट ऑफ ब्रीदिंग
ब्रीदिंग में, कि हमारी तीनों जो हमारी एज होती हैं, न्यूली बॉर्न बेबी और कुछ साल के बाद या जो अडल्ट होते हैं, उसमें ब्रीदिंग का रेट कैसे होता है। लंग कैपेसिटी में दो पॉइंट हमने देखे, टोटल लंग कैपेसिटी और रेजिड्यूअल लंग कैपेसिटी। टोटल जो लंग कैपेसिटी दोनों का मिला करके तकरीबन 6000 ml हो सकता है, और रेजिड्यूअल कैपेसिटी जो होती है, जो हमेशा लंग में उतनी एयर मौजूद रहती है, दैट इज़ 1200 ml। उसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट मैंने जो अभी ओरली थोड़ी देर पहले बताया था, उसी को मैंने लिख दिया है कि जो लंग्स होते हैं वो 3 layered प्रोटेक्शन में होते हैं। नीचे की तरफ से डायफ्राम, साइड और बैक की साइड से हमारी 12 ribs होती हैं, 12 pairs जो हैं वो रिब्स होती हैं, और सामने की तरफ से स्टर्नम। ओके, सो अब यहाँ पर हमारा ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। इसके बाद जो दो मेन चीज़ें जो अब हमें पढ़नी है ब्रीदिंग के बाद, वो है पहला हमारा, जैसे मैंने अभी बताया कि थोरैसिक केज या रिब केज, जो हमारी रिब्स की जो पूरी केज होती है, जो मैंने अभी बताया कि 12 पेयर्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। और जब ये एयर जो है वो हमारे लंग्स पे आ जाती है, तो वहाँ से आता है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है, वही चीज़ आपको पता है कि ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में आ जाती है। तो वो एक गैसेस एक्सचेंज है जो कि हमें पढ़ना है, और उसके बाद फिर फर्दर हम रेस्पिरेशन में, जो कि हमने फर्स्ट जो जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था रेस्पिरेशन का, तो उसी प्रोसेस को फॉलोअप करेंगे और वन बाय वन करके रेस्पिरेशन में जो भी लेवल्स आते हैं, जो भी प्रोसीजर्स आते हैं, उनको वन बाय वन हम वहां से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई होप कि मैं उसका आंसर दूंगा, ताकि आप फुल्ली सेटिस्फाई रहें उस चीज़ से। कोई भी प्रॉब्लम होती है, देखें, पढ़ने पढ़ाने का मतलब ये होता है सिंपली कि कोई भी टीचर हो या कोई भी स्टूडेंट हो, नॉलेज कभी 100% नहीं होती है। इसीलिए आप खुद देखते हैं कि जब हम एक टॉपिक को डिसाइड करते हैं कि इसको डिस्कस करना है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि ओके, इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चूँकि आप एक वीडियो में या एक लेक्चर में ऑल एंड ऑल नहीं, मतलब पढ़ाने वाला पढ़ा नहीं सकता और समझने वाला उस चीज़ को समझ नहीं सकता है, और एक बार में 100% नॉलेज किसी टॉपिक की होती नहीं है। सो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, जितना भी मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कवर हो पाए, और अगर कुछ रह जाता है तो उसको आगे आने वाली वीडियोज़ में हम ज़रूर कवर अप करेंगे। ओके, पढ़ते रहिए और मेहनत करिए। टिल देन।